प्याज शामी कबाब बनाएंगे विद बद्दी पराठा। ये देखो आप, ये है इसकी खासियत। जो इस तरह से हम अगर इसको हमें वर्की पराठे के लिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह पे जहां पर मुझे बहुत ज़बरदस्त कुछ खाने को मिलने वाला है और नेकी और पूछ पूछ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि आज मैं कबाब बनाने वाला हूं और मैं इत्तेफाक से जो है उनके घर से कुछ 10 या 12 किलोमीटर दूर था, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ। आज जो है वो कबाब ही खाने वाले हैं और ऐसी शख्सियत कबाब बनाने वाली है जिसको मिस करना आज बनता नहीं था। ये देखें आप। हाँ भाई मुजफ्फर साहब, फाइनली मैं पहुंच गया। फाइनली आज शामी कबाब बनाएंगे विद वर्की पराठा। विद वर्की पराठा, वर्की पराठा, मजा है। बहुत बेहतरीन यार, आज तो मजा आने वाला है भाई। ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए और मैं आपको पूरी प्रिपरेशन दिखाऊंगा, क्योंकि इनका बनाया हुआ हर चीज जो आज तक हमने खाई है उसका जवाब नहीं है यार, मजेदार एकदम। तो दोस्तों फाइनली मुजफ्फर भाई के घर तो मैं पहुंच चुका हूं, लाइटें जल चुकी हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो है मुजफ्फर भाई के घर का ना छोटा सा टूर कराऊंगा, क्योंकि रिसेंटली मुजफ्फर भाई ने घर जो है वो अपना जो इसको फर्निश किया है और यहां शिफ्ट हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, जिसको कुछ भी काम जो है ना वो मतलब दिल से करना जो होता है ना एकदम जबरदस्त, हर चीज को बहुत ही नफासत के साथ करना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो घर की डेकोरेशन जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये पूरे का पूरा लेआउट, पूरे का पूरा इंटीरियर जो है वो इनका ही खुद का डिजाइन किया हुआ है। आपको भी कराना हो तो बता देना उनको। बट आपको सबसे अच्छी चीज ये लगेगी कि जिस तरह से ये चीजें करते हैं वो अनबीटेबल है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी खासियतें एक साथ होती हैं, जो अलग अलग चीजें चाहे वो कुछ भी चीज हो उसको बड़ी परफेक्शन के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ और नफासत के साथ बनाते हैं। ये घर भी उन्होंने उसी तरह से बनाया है। मैं आपको छोटा सा टूर देता हूं घर का, देखिए आप। ये फ्रेंच वॉल हो, फ्रेंच विंडो हो, कर्टन्स हो, हर चीज को जो है वो मुजफ्फर भाई ने खुद जो है डिजाइन किया हुआ है। ये बालकनी को जो है कितने अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे कर्टन्स डाले और प्रॉपर एक जगह जो है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है आप ये देखें। सनलाइट भी प्रॉपर यहां पे मिल रही है। ये डाइनिंग पोर्शन, ये छोटा सा किचन, छोटा सा है बहुत बड़ा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो इसको बनाया गया। इसी किचन के अंदर जो है हम थोड़ी देर के अंदर बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें बनाने वाले हैं, जो कि आपको बड़ा पसंद आएंगी देखने में, खाने में तो खैर मुझे पसंद आएंगी। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये इनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। उस साइड में बेडरूम्स हैं और दूसरी साइड में बालकनी है। क्या क्या ये तो आपने स्टार्ट जो कर रहे हैं अभी, हाँ? ये हमने लिया 1 किलो मटन। 1 किलो मटन कीमा ले लिया है, कीमा टाइप, मतलब थोड़ा मोटा कीमा, मोटा दरदरा, मतलब एक एक आधा आधा इंच के पीसेस, ठीक है। उसके साथ हमने लिया ये 250 ग्राम दाल, चने की दाल, चने की दाल 250 ग्राम, इसको भिगो दी। 1 घंटा पहले हमने इसको पानी में डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, ठीक। इसके साथ हमें जब बॉइल करना है तो इसके लिए हमें ये लाल मिर्च, 8-10 लाल मिर्च ले ली, करीब करीब छोटा सा, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, जायका, ठीक है, दालचीनी, छोटी इलायची, और लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च अभी हम सिर्फ यही यूज करेंगे। पहले हम थोड़ा सा मटन को अच्छे से बॉईल करेंगे थोड़ा सा मसालों के साथ, उस क्योंकि दाल बहुत जल्दी गल जाती है तो इसलिए 2-3 सीटी के बाद दाल डालेंगे, फिर 1-1.5 सीटी में ये रेडी होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या प्रिपरेशन करते हैं बताते रहेंगे। लग रहा है ये सारा मसाला जो है वो इसके अंदर पड़ गया जो अभी दिखाया है।
इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि पानी अपने आप ही छोड़ेगा। अच्छा, पानी अच्छा डालने की जरूरत नहीं, धोने के बाद बस। बस धोने के बाद क्योंकि पानी अब्सॉर्ब कर चुका है ऑलरेडी, तो इसमें अब हमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। एक टेबल स्पून ये ऑयल डाल दिया इसके अंदर, बस एक टेबल स्पून। डन, बंद करके सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया। तीन चार सीटियां लगेंगे, तीन चार सीटी लग जाएंगी इसकी। इसमें जब धनिया काटेंगे ना तो उसे सुखा के। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? उसमें पानी आएगा तो कबाब को गीला गीला कर देगा। अच्छा, अभी जैसे मैं बता रहा था कि मुजफ्फर भाई की नफासत जो है वो ये देखो आप, इसको सुखा के। ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो ये अदरक के ब्लॉक्स काटे हुए हैं, तो ऐसे ही नहीं, मैंने कहा था कि नफासत जो है ना वो इनसे सीखी जाए कि कैसे किस चीज़ को बड़ा सलीके से बनाया जाए। सुगड़ होना इसे कहते हैं। तो अब इट्स टाइम टू चॉप, चॉपिंग शुरू हो चुकी है हमारी। ये हमें चाहिए इसके लिए, तो हमें बहुत एकदम फाइन चॉप चाहिए। फाइन चॉप, अपन तीन प्याजे लिए हैं, ये अदरक और हरी मिर्चे 8-10 जो कि इसके अंदर फिलिंग करेंगे। बिल्कुल, फिल करने के लिए ना। तो ये फिल होगा या उसके अंदर मिक्स किया जाएगा? आप कैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छी चाहिए, हरा धनिया हरी मिर्च प्याज का एक अलग फ्लेवर चाहिए, तो आप फिल करें। और अगर आपको मिक्स करके अच्छा लगता है तो मिक्स करके बना सकते हैं। जो अदरक है जी, इसको जो हमने स्लाइस किया है, ये भी हमें बिल्कुल फाइन चॉप चाहिए, एकदम फाइन। अच्छा, अदरक को भी बिल्कुल बारीक बारीक। सीटी आने के बाद इसको उतार लिया, ये ऐसा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ये अभी कच्चा है, इसके दाल के साथ। अच्छा, इसके अंदर अभी पूरी दाल जो थी भीगी हुई। हाँ। किसको कितनी देर दाल को भिगोना है? ठीक, दाल एक घंटा भीगनी चाहिए। बिल्कुल। ये दोबारा इसमें सीटी लगी। बिल्कुल। कितनी सीटियाँ होंगी? मेरे ख्याल दो सीटियाँ मेरे सफिशेंट है। ये हरी मिर्चें चॉप कर रहे हो? हाँ जी। वेरी गुड। ये कुछ हमारे देखिए दोस्त जो हैं जिन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, वो यहाँ पे वीडियो में नजर आ रहे हैं आपको। भाई खाते वक्त भी कॉल कर। तो ये अदरक प्याज और क्या है मुजफ्फर भाई इसमें? अदरक प्याज हरा धनिया बहुत ही बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, जो कि इससे फिलिंग की जाएगी। और ये किस चीज की प्रिपरेशन है? चटनी के लिए। चटनी का इंतजाम इसमें पुदीना हरा धनिया हरी मिर्च और एक टमाटर। चलो जी, चटनी की प्रिपरेशन भी तैयार है, कबाबों का मामला यहाँ पर चढ़ा हुआ है, फिलिंग यहाँ पर बना दी गई है, और शामी कबाब जो हैं वो आज लजीज खाए जाएंगे। चटनी जो है एक टमाटर, कुछ हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, ये हम मिलाएंगे इसमें। और इसमें दो नींबू बराबर। अच्छा, दो नींबू डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और कुछ जीरा वगैरह भी डलेगा इसमें? हाँ, है? हाँ बिल्कुल, जीरा डलेगा थोड़ा सा जीरा डलेगा। ये दो नींबू डल जाएंगे। तो साहब, व्लॉग तो आज आप लोगों ने मेरे काफ़ी देखे हैं, मगर कोई ऐसा प्रॉपर किचन वाला फूड व्लॉग नहीं आया था मेरा अभी तक, जिसके अंदर जो है वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हो रही। तो आज जो है वो शामी कबाबों का दिन है। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने मुजफ्फर भाई के फार्म हाउस पे जो है वो आलू गोश बनाया था, आलू गोश और बिरयानी बनाई थी, लाजवाब। और आज है शामी कबाबों का दिन। काला नमक चटनी पेस्ट है। शामी कबाब की चटनी तैयार है, जस्ट सीधा मक्खनी। ओए होए, मक्खनी हो रही है एकदम, वाकई में तो बिल्कुल जबरदस्त। आलू की सब्जी और आम का ब्रेड के साथ, आलू की सब्जी और आम का अचार, वो भी इन्हीं के हाथ का बनाया हुआ। इसको भी जो है वो जाने नहीं देना है, जो जो मिलेगा वो टेस्ट करेंगे। लाजवाब। तो साहब, अब ये पराठे की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसको वर्की पराठा नाम दिया है मुजफ्फर भाई ने, वर्क वाला पराठा। तो इसके अंदर आटा और सूजी मिक्स की है। सूजी कितनी ली है इसमें? सूजी सिर्फ दो चम्मच सूजी।
इसके अंदर नमक डल गया और ये एक अंडा डल गया इसमें, आधा चम्मच से भी कम थोड़ी सी चीनी। शुरू करते हैं अब आटा, आटा गूंदना। तो मुजफ्फर भाई कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन में डिमांड आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि भाई हम, कि मैं नहीं आऊंगा फिर है? क्यों भाई डिमांड आई तो मैं मिलूंगा नहीं भाई, मेरा टाइम बड़ा प्रेशियस है, बड़ा वक्त निकाल के आया हूँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो दाल जो है वो पूरी तरह से गल चुकी है और अब आएगा इसका ग्राइंड करने का नंबर, पीसने का। इधर आटा तैयार हो चुका है, अब इसको ग्राइंड किया जाए। ये पीसने के बाद कुछ ऐसा सा हो जाएगा, क्या जबरदस्त यार खुशबू आ रही है भाई, मजे खड़े हो जाएंगे ऐसे तो। ये देखिए ऐसा पीसना चाहिए, बारीक, बिल्कुल बारीक। तो अब नंबर आता है कबाबों को शेप देने का। साहब वर्की पराठों का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज मैंने पहली बार मुजफ्फर भाई से सुना है, उसकी भी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रही है और अब मैं दिखा रहा हूँ कि पराठों का जो है वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा। ये देखें आप, ये पेड़ा हम शुरू कर रहे हैं बनाना वर्की पराठे के। तो आटा गूंथते हुए तो दिखाई दिया था हमने कि क्या क्या चीजें इसमें डाली हैं। तो वर्की पराठे से मतलब क्या ताल्लुक है इसका? वर्की पराठे का एक तो इसकी थिकनेस, अच्छा बिल्कुल बारीक होगी। वर्क मतलब कागज टाइप और कागजी पराठा, उसमें भी आपको लेयर्स मिलेंगे। अच्छा लेयर्स भी हैं उसमें? उसमें लेयर्स मिलेंगे आपको, इतना बारीक होगा और उसमें आप लेयर्स खोल सकते हैं लच्छा टाइप का, और उसके बाद उसको बेलना है बहुत बारीक तरीके से। अच्छा तो देखो दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि मुजफ्फर भाई जो है वो परफेक्शनिस्ट हैं हर चीज़ के अंदर, मतलब हर चीज़ को जो नफासत के साथ करना है वो इनसे सीख सकता है आदमी। मैंने आपको घर दिखा दिया है, मैंने आपको जो है वो किस तरह से कबाब जो है उनको बनाना है, हमने आपने शामी कबाब बहुत खाए होंगे, एक से एक बेहतरीन कबाब खाए होंगे, मगर इनके हाथ की जो चीज़ें मैंने अभी तक खाई हैं उनका कोई जवाब नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं रहा है अभी तक। बट आज जो है मुझे मौका जैसे ही मिला कि आज शामी कबाब खाने को मिलेंगे, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था। तो आप शामी कबाब के साथ आज वर्की पराठे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं। जो इस तरह से हम अगर इसको, हमें वर्की पराठे के लिए मतलब ये बनता तो थोड़ा सा लच्छे की तरह है, लेकिन ये इतना बारीक होगा कि एकदम लच्छे की तरह दिखाई देगा, मतलब वर्की है। अच्छा तो इसको कटिंग करी इसकी लंबी लंबी और उसके बाद इसमें तेल, ऑयल, ठीक है। ओहो और ये हम इसको ऐसे ही समेट देंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम लच्छे पराठे की ही शेप में थोड़ा सा, तो ये जो कटिंग करी है उससे जो है वो ये जो तह जो निकलेंगी, तह जो निकलेंगी वो इससे निकलेंगी। एग्जैक्टली क्या बात है। तो ये इस तरह से कुछ, ये देखिए, और इसके बाद फिर इसको दोबारा से रोटी की तरह बेला जाएगा, फिर सिकाया जाएगा। बिल्कुल। तो सूजी, मैदा और आटा, ये तीन चीज़ों का जो है ये बनाया, उसके बाद फिर छोटी छोटी रोटियां बना के फिर उसको कटिंग करके और फिर ये लच्छा बना दिया। नमक और इसको हम फेंट लेंगे। ये है आपका शामी कबाब। ये हमने दो अंडे लिए, हल्का सा चुटकी भर नमकीन कोटिंग के लिए, जब हम शैलो फ्राई करेंगे इसमें डिप करके अरे प्रॉपर इसको डिप करेंगे। एग्जैक्ट। उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, उससे पूरी कोटिंग हो जाएगी, उसे टूटेंगे नहीं, फटेगा। अच्छा और जो फ्लेवर है उसमें फिर अंडे का फ्लेवर आएगा या कबाब का आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल। कबाबों को शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा हम तेल ले लिया, इसको गरम किया और अब जो है ये कबाब,
अच्छा मतलब प्रॉपर डिप करना है। प्रॉपर यहाँ पर जो है ये पराठे के अंदर ऑयल बाद में डलेगा। हाँ। अच्छा दिस इज वर्की, ये वर्की पराठा भी जो है भाई तैयार हो चुका है और इसको इतना जबरदस्त गोल शेप यार मुजफ्फर भाई तुम ही दे सकते हो। तो सीख गया। ओए ओए वाह वाह वाह, ये है जी वर्की पराठा रेडी है। लेयर्स उतर रही हैं एकदम एकदम खस्ता, क्या बात है। ये देखो साहब, ये जो बिल्कुल लेयर्स हैं इसकी वो एकदम इस तरह से उतर रही हैं, इसे कहते हैं वर्की पराठा। फ्रेंड्स आज का जो प्रोग्राम है उसके तहत जो डिसाइड हुआ था, मुजफ्फर भाई जो हमारे द अल्टीमेट शेफ हैं इन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। मेरे सामने जो है वो ये वर्की पराठा है और वाकई में इसका जो टेक्सचर दिख रहा है मुझे बिल्कुल वर्क की तरह ही दिख रहा है, कागज़ की तरह दिख रहा है। इधर सैलेड आ गया और जिस चीज़ के लिए आज यहाँ पर आया गया है वो है ये शामी कबाब। पर ये शामी कबाब जो है वो मुझे देखने में जो लग रहा है और जो खाने में लगेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट देखने में जो प्रेजेंटेशन है वही अल्टीमेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कबाब से और ये कबाब का पहले टेक्सचर देखेंगे। ये देखो आप, ये है इसकी खासियत कि बिना टूटा हुआ कबाब और अंदर पूरी फिलिंग है इसके अंदर, ये है इसकी खासियत। और ये मुजफ्फर भाई के हाथ की चीज़ें जो है ना वो छोड़ना बनती नहीं है। ओह लाजवाब, क्योंकि जो ऊपर जो देखने में लग रहा है और जो खाने में लग रहा है बिल्कुल मलाई जैसा, और जो इसमें अरोमा है जो खुशबू है वो लाजवाब है। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं पहले ये खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मुखातिब होता हूँ। तो साहब पराठे कबाब खाने के बाद अब जो है वो बैठने का टाइम है थोड़ी देर, और अभी अभी इत्तला आई है कि हमारे दो अज़ीज़ दोस्त जो हैं वो रस्ते में हैं, क्योंकि वो भी इस मौके को मिस नहीं करने देना चाहते थे। तो जैसे ही वो आते हैं मैं आपका तारुफ कराता हूँ, वैसे आप लोग जानते हैं उन। वालेकुम अस्सलाम, आइए 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 मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब जिन लोगों का इंतज़ार था, मेहमान खुसूसी, वो यहाँ पे आ चुके हैं, तशरीफ रखें। तो बबलू भाई और इरफान भाई आपका क्या फीडबैक है और आपका क्या इसके अंदर जो है वो इनपुट है कि किस तरह के कबाब हैं, क्या कुछ अलग है या कैसा है, आप अपने फीडबैक दीजिए अपने अल्फाजों में। लखनऊ के ब्राउडी कबाब जो है वो फेल है ना। तो दोस्तों अब जो है वो दावत अपने आखिरी अंजाम पर पहुंच चुकी है, मीठा भी हो चुका है और अब हमारे सामने आ गए हैं मैंगो। ये मैंगो खाएंगे और मुजफ्फर भाई का शुक्रिया अदा करके और फिर हम यहाँ से इनसे इजाज़त लेंगे। तो दोस्तों होप यू लाइक दिस वीडियो, बहुत मज़ा आया। कबाब पराठे मिठाइयाँ आम और क्या चाहिए, और साथ में चार पाँच दोस्त हों
इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। स्पेशल थैंक्स टू मुजफ्फर साहब जिनकी रेसिपीज और इनके नफासत भरे हाथों से पकाया हुआ खाना खा खा के हम यख हो जाते हैं। जिंदगी के अंदर और आपको क्या चाहिए, कुछ दोस्तों का साथ चाहिए और अच्छे खाने चाहिए। बहुत ही मजा आया हमें, उम्मीद है आपको भी मजा आया हो। जो मैं दिखाई गई हूँ उसको आप अपने घर पर भी ट्राई करिए, बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। होप यू लाइक इट। अगला डिश क्या चाहिए वो कमेंट में बताइएगा प्लीज। अगला डिश आप क्या देखना चाहते हो कमेंट करके बताइएगा। ये मुजफ्फर भाई ने बोला है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो दिखाएंगे। और इन्हें नहारे भी बहुत बेहतरीन पकाते हैं वैसे, जब भी मौका लगेगा जरूर दिखाऊंगा।